दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग भी अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। चलिए दोस्तों आज फिर से आप लोग बीच अच्छे और नए वीडियो साथ हम आ चुके हैं जी। दोस्तों आज आप लोगों को हम बताने वाले हैं एक सॉकेट और एक लाइट का कनेक्शन करके हम आपको बताएंगे किस तरह से बोर्ड इंस्टॉल करेंगे। दो स्विच है, एक सॉकेट है। चलिए हम अभी इंस्टॉल करते हैं, यहाँ पर आ जाइए प्रोजेक्ट पर। और चलिए अभी वीडियो शुरू करने से पहले इलेक्ट्रिकल नौशाद भाई को सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि नया नया वीडियो आप लोगों के पास पहुँचता रहे जी। हाँ दोस्तों देखिए अभी यहाँ पे लेग्रैंड कंपनी का है सॉकेट को हम ओपन कर लिए हैं और प्लेट को भी ओपन कर ले रहे हैं। वन बाई वन करके आप लोग हम बताएंगे। देखिए हम ओपन कर लिए हैं, इसमें पहले हम सॉकेट डालेंगे। सॉकेट डाल दिए, उसके बाद दो स्विच और इसमें हम फिल कर देंगे। ये हमारा सॉकेट का स्विच हो गया और ये हमारा लाइट का स्विच हो गया। अभी इसको हम कनेक्शन करके आप लोगों को बताएंगे। हम जो नीचे वाला टर्मिनल दिख रहा है वो लिंक कर देंगे, पहले ये लिंक कर देंगे। वह देखिए ये वाला तो नीचे जो टर्मिनल है स्विच का इन है, उस टर्मिनल में हम ओपन करके इसको हम अच्छे से फिल कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर हम अच्छे से फिल कर दे रहे हैं। अभी टाइट हो चुका है। अभी हमारा एक वायर जो बच रहा है हमारा लाइट का वायर है, लाइट वाला जो वायर है हम ऊपर वाले टर्मिनल में स्विच के कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा स्विच के ऊपर वाला टर्मिनल हम कनेक्ट कर दिए हैं। अभी ये मेरा लाइट का कनेक्शन रेडी हो गया। अभी हमारा सिर्फ सॉकेट का है, तो सॉकेट के लिए भी हम वायर कटिंग करके स्विच से अच्छे से सॉकेट में हम कनेक्ट कर देंगे। सॉकेट का एल वाला टर्मिनल जो देखेंगे, लाइट वाला टर्मिनल, उसी में कनेक्ट करेंगे। तो पहले स्विच वाला टर्मिनल में हम कनेक्ट करेंगे। ये सॉकेट वाला टर्मिनल कनेक्ट हो गया। तो इसमें कनेक्ट करने के बाद हमारा स्विच में कनेक्ट कर देंगे, तो हमारा दोनों स्विच रेडी हो गया। अभी हमारा क्या बाकी रह गया, न्यूट्रल अनि अर्थ। तो बाकी आप लोगों को दिख रहा होगा। तो अभी हम न्यूट्रल वाला वायर को भी एन वाले टर्मिनल में अच्छे से हम कनेक्ट कर दे रहे हैं। उसके बाद ग्रीन वाला वायर को भी अच्छे से हम अर्थ वाले टर्मिनल में अच्छे से हम कनेक्ट कर देंगे, ये हमारा रेडी हो जाएगा। देख सकते हैं मेरा न्यूट्रल का हो गया, अर्थ का हो गया और नीचे वाला हमारा फेस का हो गया और वो हमारा लाइट का टर्मिनल हो गया। चलिए इसको हम अच्छे से अब स्क्रू से टाइट कर दे रहे हैं। अच्छे से वायर अंदर डाल देंगे और स्क्रू से अच्छे से हम इसको टाइट कर देंगे। तो इसको अच्छे से हम टाइट कर दे रहे हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा ज़रूर, और इलेक्ट्रिकल नौशाद को सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन ना भूलें। अभी फटाफट टाइट कर दे रहे हैं। देख सकते हैं कि हमारा एक स्क्रू टाइट हो गया है और एक और स्क्रू टाइट करना है, वो भी हम अच्छे से टाइट कर दे रहे हैं। भी हमारा टाइट अभी हो चुका है। टाइट करने के बाद आप लोगों को दिखाएंगे ऑन करके रेडी है कि नहीं है। देख सकते हैं अभी हमारा टाइट हो गया, थोड़ा इसको थोड़ा टाइट जा रहा है, टाइट करने में टाइम जा रहा है। अभी टाइट होने के बाद इसका प्लेट लगा देंगे और अच्छा हो जाएगा।
और ऐसे ऐसे वीडियो आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा आता ही रहेगा, इलेक्ट्रीशियन एंड प्लम्बिंग वर्क, रिपेयरिंग वर्क, कुछ भी वर्क, जितना भी इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग वर्क हो, जितना भी काम करेंगे आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलता रहेगा। तो ये देखिए हमारा स्क्रू अच्छे से हम अभी टाइट कर चुके हैं, अभी इसका हम कवर लगा देंगे। देखिए हमारा हमारा कवर है, कवर किधर गया भाई, ये हमारा कवर है, इसको हम अच्छे से लगा देंगे। तो ये हमारा सॉकेट का हो गया, ये हमारा लाइट का हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट।